हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो उसे भी वॉच कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। किसका है? मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब हम दो तरह के प्रोडक्ट्स को मिला देते हैं तो एक नया मिक्सचर बनता है। उसकी कुछ अलग प्राइसिंग होती है, कुछ अलग दाम होता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप जनरल स्टोर पे दुकानों पे देखते होंगे कि अच्छे चावल को क्या करते हैं, बुरे चावल के साथ मिला के और बुरे चावल को भी बेच देते हैं। यानी जो गुड क्वालिटी ऑफ राइस नहीं होता है, उस राइस में कुछ अच्छे चावल मिला के उस राइस को भी क्या करते हैं, ये लोग सेल कर देते हैं। जैसे चावल का टुकड़ा है, उसमें क्या किया, कुछ खड़ा चावल मिला दिया और क्या किया, उसको बेच दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखो, दूध है, दूध भी क्या है, मिक्सचर बनता है ना। कौन बनाता है? दूध वाले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो बनाते हैं बेटा आपको कि रास्ते में लाते हैं और दूध में कुछ लीटर पानी मिला देते हैं, तैयार हो गया दूध और वाटर का मिक्सचर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर रेडी है बेचने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो मान लीजिए गुड क्वालिटी ऑफ राइस है। क्या है बेटा? गुड क्वालिटी ऑफ राइस है जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज पर केजी। कह रहे हैं 100 रुपीज पर केजी कॉस्ट था। इसको एवरेज क्वालिटी ऑफ राइस के साथ मिला दिया गया, जिसका दाम क्या था बेटा, 50 रुपीज पर केजी था। ठीक है, इन दोनों को मिला के जब इन दोनों क्वांटिटी को मिलाया गया राइस को, तो एक इनके पास एवरेज प्राइस आया, वो आया 75 रुपीज का। क्या आया? 75 रुपीज का एवरेज प्राइस आया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका पूछा क्या जाता है कि बताओ कि जब एवरेज प्राइस उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस 75 हो गया, 100 रुपए से कम हो गया ये 75, और ये 50 वाला क्या हो गया, 25 रुपए बढ़ के 75 हो गया। यानी जो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर का जो कॉस्ट है बेटा, वो कितना हो गया, वो हो गया 75 रुपीज केजी। तो बोल रहा है कि बताओ, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताओ ये जो राइस है वो किस रेशियो में मिलाया गया है, इस राइस का क्वांटिटी क्या है, कि ये 2 किलो मिलाया गया है या 1 किलो मिलाया गया है, या इसको 4 किलो मिलाया गया है, या इसको 3 किलो मिलाया गया, ये राइस मिलाया कितना गया है, कितने का मिक्सचर तैयार हुआ है, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और ये हो जाता है बड़े में से छोटा गया तो बचा 25। और हम लोग इसका भी डिफरेंस ले लेते हैं तो डायगोनली क्या मिला, 25 25 25 कैंसिल हो गया, बचा 1 और यहां बचा 1। यानी रेशियो क्या निकल के आया, 1:1 का रेशियो है। क्या है भाई? 1:1 का रेशियो आया है ना, 1:1 का रेशियो आया है। इस बात को जरा समझिएगा कि इसको 1 किलो मिलाया जा रहा है तो इसको भी क्या मिलाया जा रहा है, 1 किलो मिलाया जा रहा है, और आपका रेशियो क्या हो गया है, 1:1 हो गया है। अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान दो, 1 केजी अच्छे गुड्स का जो राइस है उसका प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, और 1 केजी अगर वो मिला है तो कितना हो गया, दाम कितना था इसका, 50 रुपीज था, 50 हो गया। तो आपको ध्यान दे रहो कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट आपका हो गया 150 रुपीज। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 2 केजी। देखो एवरेज प्राइस क्या निकल आया है, एवरेज प्राइस आया है 150/2, 75 रुपीज। देखो 75 रुपीज था ना, ये वेरीफाई हो गया। तो समझ में आ रहा है बच्चों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो रहा है कि दो क्वालिटी ऑफ गुड्स को मिला दिया गया है तो उसका एवरेज प्राइस 75 आया है। तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया गया था इन दोनों को, तो इसको कैसे मैंने निकाला,
मैंने निकाला लेस करके 25, लेस किया 25, कैंसिल कर दिया 25 बन जा, तो 1:1 में मिलाया गया। अगर यही प्राइस मैं चेंज कर देता तो देखो क्या आंसर आता। अगर मैं बोलता कि ये जो एवरेज प्राइस है ये 75 की जगह क्या आया 60 आया, अब बताओ किस में मिलाया गया रेशियो में, आप लगाओ पाओगे तुरंत आइडिया कि क्या मिलाया गया होगा, किस क्वांटिटी में मिलाया गया होगा, किस रेशियो में मिलाया गया होगा। तो देखो कैसे निकलेगा फटाफट, 10 हो गया इधर और इधर कितना हो गया बेटा 40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 1:4 में मिलाया गया बेटा 1 kg ये वाला राइस और 4 kg ये वाला राइस और निकल आया आपका आंसर, है ना 1:4 में मिक्स किया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो बेटा जो मैंने अभी सिखाया उसके आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इन व्हाट रेशियो व्हीट एट ₹12.30 पर केजी, किस रेशियो में ₹12.30 केजी वाला व्हीट हम मिक्स करें विथ अ व्हीट ₹18.30 पर केजी। यानी यहां क्या कर रहा है, नंबर वन व्हीट है और एक है नंबर टू व्हीट, एक जो है वो बेटा क्या है ₹12.30 पर केजी है और दूसरा रुपए जो है वो है 18.30 का है। दो तरह के व्हीट आपके दिए हुए हैं बेटा। अब जब दो तरह का व्हीट यहां पर दिया हुआ है तो अब करना क्या है, सो दैट मिक्सचर बी वर्थ ₹15 पर केजी। अब जब दो इन दोनों को मिलाया गया तो इसका कॉस्ट आ गया था ₹15 पर केजी, पर केजी। तो पूछ क्या रहा है बेटा कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में इसको मिलाया गया है, है ना, किस रेशियो में दोनों व्हीट को मिलाया गया है। तो जरा चेक कर लेते हैं रेशियो। तो रेशियो का तरीका क्या होता है, एक डायगोनल लाइन खींच लो बेटा और डायगोनल लाइन खींच के करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, क्या बड़े में से छोटे को घटा देना है। बड़े में से छोटे को जब घटाया तो आ गया बेटा कितना 70 और 2.70, कितना आ गया 2.70, लिख दो भाई यहाँ पे, ये भी डायगोनली लेके आना इधर और घटा लेना है क्या 18.30 में से 15 घटा लेना है और कितना आ गया 3.30। अब ध्यान दो 3.30 2.70 आ गया, ये और छोटा कर सकते हैं ना इसको, तो जरा छोटा कर लेते हैं लिख के यहीं पे कर लेते हैं। 3.30 था वीट नंबर वन और 2.70 था वीट नंबर टू, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, बचा 330 बटे में 270, 0 से 0 कैंसिल और 3 से और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11/9। तो बेटा रेशियो क्या आ चुका है, सही निकाला ना, सही कट किया, ठीक है 11:9 आ गया है बेटा आपका क्या रेशियो। अब जरा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये ही आंसर है, क्या ये सही है आंसर 11:9, ये आपको सेटिस्फेक्शन के लिए वेरीफाई करते हैं। तो ध्यान दो, पहला वीट था 12.3 केजी रुपीस का, ठीक है, अगर मैं उसको 11 किलो लेता हूं ना, 11:9 है ना, 11 केजी इसको मिक्स करता हूं तो कितना हो गया 11:0 = 33 का 3, कैरी किया 3, 11:2 = 22 बेटा, 22 और 3 25 का 5 और कैरी किया 2 और यहां जोड़ दिया 11:1 = 11:2 = 13, ये हो गया कितना 135.30 केजी आपने पे किया है, कितना ₹135.30 पे किया 11 किलो गेहूं का दाम। ये क्या निकाला है मैंने, कॉस्ट निकाला, कितने का 11 केजी का, ठीक। अब निकाल लेता हूं इसके अकॉर्डिंग 18.30, तो 18.30 का कितना मिलाना था बेटा 9 केजी मिलाना था, तो पूरा कॉस्ट निकाल लेता हूं 9:0 = 9, 9 3 = 27 का 7, कैरी किया 2, 9 8 = 72 और 2 72 और 7 47, कैरी किया 9 9 16, ठीक है ना, ये आ गया कितना रुपए 164.70। ये कॉस्ट है किसका, इस वाले गेहूं का, क्योंकि 9 किलो ये मिलाया हूं बेटा, 11 किलो ये मिलाया हूं। अब दोनों को जोड़ लेता हूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा बेटा 135.3 और 164.7 को मैं ऐड कर लिया, 7 3 10 का 0, कैरी किया 0, कैरी किया 0, कैरी किया 3, 300 रुपए आया टोटल कॉस्ट।
ध्यान दो, 300 रुपये आया है टोटल कॉस्ट, और क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी आई है आपकी, टोटल क्वांटिटी आई है 11 kg नंबर वन वीट और 9 kg नंबर टू वीट, ये हो गया 20 kg। अगर ये क्वांटिटी 20 kg है, टोटल कॉस्ट 300 रुपये है, तो 1 kg का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 kg का कॉस्ट हो जाएगा 300 बटे में क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, कितना हो गया बेटा 15 रुपये per kg, है ना, 15 रुपये per kg, 15 रुपये kg हो गया। देखो आंसर वेरीफाई हो गया ना, ये बस चेक करने का प्रोसेस था बेटा, आंसर तो मेरा पहले ही आ चुका है 11:9, जो कि क्या करना था, डायगोनली आपको जो दोनों मिक्सचर का रेट है मिलाने के बाद जो रेट है उसको लिखना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, और आपका आंसर आ गया 11:9। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है अ गोल्ड स्मिथ हैज 2 क्वालिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड स्मिथ के पास 2 तरह के गोल्ड है, एक में क्या बोल रहा है कि 14 कैरेट, एक में 14 कैरेट है एंड अनदर 17 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड है, यानी उसके पास 14 कैरेट और 17 कैरेट के गोल्ड है, इन व्हाट प्रपोर्शन शुड ही मिक्स, दोनों में से कितना कितना प्रपोर्शन ले ले, दोनों में से कितना कितना प्रपोर्शन ले ले टू मेक एन ऑर्नामेंट, कि उसको 16 कैरेट का ऑर्नामेंट बनाना है तो कितना कितना प्रपोर्शन दोनों में से यूज कर ले कि उसका 16 कैरेट क्या हो जाए, तैयार हो जाए। जरा ध्यान देना क्वेश्चन कितना मजेदार आसान है, एक क्वालिटी था बेटा 14 कैरेट है ना, दूसरा था 17 कैरेट, कह रहा है कि उसको गोल्ड कितने का बनाना है, 16 कैरेट का, उसको मिक्सचर चाहिए 16 कैरेट का, किस रेशियो में बनाएगा, हो गया सॉल्व, कितना आसान है बेटा, 2 यहां आ गया, इसका इसका डिफरेंस लिया तो क्या आ गया, यहां पे यहां आ गया 1 और आंसर आ गया बेटा 1:2, 1:2 में, यानी 14 कैरेट वाला आपका और 17 कैरेट के बीच में क्या रेशियो आ गया, 1:2 का आ गया, यही तो है ट्रिक, ऐसे ही तो सॉल्व होता है आसानी से क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं, थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट मजा आएगा करने में। देखो द एवरेज वीकली सैलरी पर हेड ऑफ द इंटायर स्टाफ ऑफ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में स्टाफ है सुपरवाइजर और लेबर, इनका एवरेज वीकली सैलरी कितना है बेटा, 60 रुपीज है, कितना है 60 रुपीज है, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द सुपरवाइजर इज 400, तो क्या पूछ रहा है, एंड दैट ऑफ लेबर इज 56, जो एवरेज सैलरी है अकेले सुपरवाइजर का वो 400 है, जो एवरेज सैलरी है लेबर का वो 56 रुपए है, और पूरे इंटायर फैक्ट्री का स्टाफ का, पूरे फैक्ट्री स्टाफ का कितना है 60 रुपए है। क्लियर है, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लेबर, पूछा क्या है लेबर कितने हैं, तो बहुत ही आसान है करना, एलिगेशन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या था, सुपरवाइजर कौन है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इधर है और लेबर को इधर रख लेते हैं, लेबर सुपरवाइजर कितना है बेटा 400 है, और आपके लेबर कितने हैं, लेबर का 56 रुपीज है, और इन दोनों का एवरेज कितना था बेटा 60 रुपीज था, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंस हुआ 340 और इसका डिफरेंस हुआ 4, और जब इसको हम कट करेंगे 4/340 को तो क्या आ जाएगा 1/, इसको काट लेंगे तो 32:20 1:85, इसका मतलब सुपरवाइजर और इनके बीच में क्या रेशियो है लेबर के बीच में, तो 1:85 है। अब ध्यान देना, ये मैंने निकाला क्या कि सुपरवाइजर लेबर के बीच में 1:85 का रेशियो चल रहा है, मतलब अगर एक सुपरवाइजर होगा तो 85 लेबर होगा, एक अगर सुपरवाइजर होगा बेटा तो 85 लेबर उसके अंदर में काम कर रहे हैं,
अब कैसे करें सॉल्व, डाटा तो कुछ दिया नहीं है। तो बेटा एक डाटा दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऑप्शन 85, जिससे डिविजिबल हो जाए वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां दिया नहीं है, संख्या कहीं नहीं दिया है, सिर्फ पैसे की बात किया है, लेकिन ऑप्शन में नंबर ऑफ लेबर दिया है। और ये रेशियो है बेटा 1:85, अगर एक सुपरवाइजर है तो 85 लेबर होगा। तो यहां जो भी दिया होगा डाटा, वो 85 से कटना चाहिए ना। तो ध्यान दो, अंत में 5 है, 5 है तो ये तो कटेगा नहीं, 6 वाला, 3 वाला भी नहीं कटेगा। जरा इसको चेक कर लेते हैं, तो इसको जरा चेक किया, क्या 1020 को डिवाइड करके देखते हैं किससे, 85 से, तो वन टाइम में गया 85 और यहाँ पे आ गया, कैरी किया आपका, ये कितना हुआ 2 7 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आया 9 में से 1 आया। तो ध्यान दो, दो बार में ये कट गया ना, ये हो गया पूरा कैंसिल। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब कितने लेबर हैं, 1020 लेबर हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो 860 काटोगे तो नहीं कटेगा, दिख रहा है ना 85, 10 कैरी बच जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1020। कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ बेटा, बड़ा सिंपल है, ये वन सुपरवाइजर है और 85 लेबर्स का रेशियो है। तो डाटा तो यहाँ कहीं कुछ दिया नहीं है, सब रुपए के बारे में केवल बात किए हैं, तो डाटा मिलेगा कहाँ से मुझे, ऑप्शन से मिलेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में नंबर ऑफ लेबर्स दिए हुए हैं, तो 85 से हम चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं, 3 लास्ट में है, नहीं होगा, 6 है लास्ट में, नहीं होगा, इसको मैंने ट्राई किया तो ये डिवाइड हो गया, और 860 भी नहीं होगा अगर आप करके देखोगे तो, इसलिए आंसर मेरा क्या हो गया 1020 हो गया। मजा आया ना करने में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने है, फाइंड द नंबर विच वेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो 11:23, वह कौन सा नंबर होगा जो 11/23 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, 3:7 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें 11:23 में से, तो मान लेते हैं लेट बी एक्स, एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो जब एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो में से ऊपर भी एक्स घट जाएगा बेटा और नीचे से भी एक्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ गया 3/7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 7 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 77 माइनस 7 एक्स हो जाएगा, 3 से इसमें करेंगे, 3 3 9 6 हो गया और माइनस 3 एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये उधर जाएगा और ये इधर मूव करेगा, तो माइनस 7 एक्स और आपका प्लस 3x और इधर हो जाएगा 69 माइनस 77, क्या बच गया बच्चों, इधर बच गया 8 और यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया आपका 4x। अब बड़े अंक के माइनस इसलिए माइनस, यहाँ बड़े अंक के माइनस इसलिए माइनस, अब ध्यान दो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 8/4, देयरफॉर 2, वह कौन सा नंबर है, 2 है, जो कि अगर हम 11 और 23 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो रेशियो क्या आएगा, 3:7 आएगा। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच वेन एडेड टू द टर्म ऑफ द रेशियो 11:23 मेक इट इक्वल्स टू 4:7। अब बस यहां क्या कर दिया, 4 कर दिया बेटा, है ना, और यहाँ पे क्या बोल दिया, एडेड बोल दिया है, क्या बोल दिया यहाँ पे, एडेड बोल दिया है। अब देखो बस सब्ट्रैक्ट के जगह इसने एडेड बोल दिया, तो जब एड बोल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व कैसे करेंगे, 11:23 इसमें क्या करोगे, केवल आप एक्स जोड़ देना, पिछले बार घटाया था, इस बार क्या करना है हमें, एक्स को एड कर देना है। अब जब एक्स एड किए तो क्या बन गया, 4/7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आ गया आपका 7x और इधर आ गया 4 3 12 का 2, कैरी किया 1, 4 2 8 1 92 प्लस 4x, ये इस साइड आया तो 7x माइनस 4x हो गया और 92 माइनस 77 हो गया, देयरफॉर 3 और 12 कितना हो गया 15 और इधर आ गया आपका 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 15/3, 5 आ गया, वह 5 नंबर होगा जो हम अगर इसमें ऐड करते हैं
तो क्या बन जाएगा बेटा, 4:7 बन जाएगा। तो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन से आप प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। 1, 2, 3.